Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. A shocking case of sexual violence, abuse and rape in Bihar has barely made the national headlines. हम सब ने जब निर्भया का केस हुआ तो हम सब ने जुटकर लड़ाई की, लेकिन अररिया में एक ऐसा केस है जिसके बारे में थोड़ी सी ही बातचीत हुई है। ये एक गैंग रेप है और 22 साल की लड़की का गैंग रेप है। उस लड़की का एक सपना था कि वो एक मोटरसाइकिल चलाना सीखे, लेकिन जो आदमी उसको इस बहाने जगह ले गया कि वो उसको मोटरसाइकिल सिखाना चलाएगा, उसने उसको ऐसी जगह ले पहुंचाया जहां पर उस लड़की का गैंग रेप हुआ। रेप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, एक ट्रॉमेटिक वायलेटिव इवेंट है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद आपको शॉक कर देगा। उसके बाद ये हुआ कि वो जो लड़की स्वयं थी, कोर्ट में जब वो अपना केस दर्ज करने गई तो कुछ अनबन हो गई और लड़की को जेल भेजा गया। मैं ये आपको दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि जिस लड़की का गैंग रेप हुआ उस लड़की को जेल भेजा गया, और उसके बाद जो दो सोशल एक्टिविस्ट थे उस लड़की की मदद करने जो आए थे उनको भी जेल भेजा गया। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ डबल पनिशमेंट। फर्स्ट अ वुमन गेट्स गैंग रेप, देयर इज अ वायलेंट बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज रिमेंबर देयर वाज अ मैन हु वाज ऑफरिंग टू टीच हर हाउ टू राइड अ बाइक, और वो बिल्कुल मतलब इनोसेंस में उसके साथ चली गई, और उसके बाद एक जुडिशियल सिस्टम उसको ही दोषी एक तरह से ठहराता है। दैट वुमन इज नाउ आउट ऑन बेल, शी इज विद अस फ्रॉम अररिया इन बिहार। हम उनकी आइडेंटिटी कानून के हिसाब से नहीं रिवील करेंगे। उनका अभी जो नाम फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ द पब्लिक खुशी है, तो हम भी उनको खुशी ही बुलाएंगे। और हमारे साथ कमायनी स्वामी है जो एक एक्टिविस्ट ऑन द ग्राउंड है वहां, और उनके दो सहयोगी उनमें से है जिनको लॉकअप किया गया इन खुशी की मदद करने के लिए। खुशी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी। आप कितने दिन आपने कितने दिन कस्टडी में बिताए और कोर्ट में क्या हुआ? क्या ये हो गया कि आपके साथ पहले गैंग रेप होता है और फिर आपको जेल भेज दिया जाता है? खुशी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। खुशी बताइए क्या हुआ? जिस दिन मेरा 164 का बयान था तो उस दिन हम अपना बयान देने के लिए कोर्ट पे गए थे जी। और वहां पर बहुत देर रुकना पड़ा, खड़ा रहना पड़ा, बहुत वेट करना पड़ा वहां पे। और जब बयान देने के लिए अंदर वो लोग बुलाए हमको, तो हम अपना बयान देने के लिए अंदर गए। जज सर पहले पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर हम अपना नाम बताएं, पापा का नाम बताएं, मम्मी का नाम बताएं। तो इतना पूछकर फिर जज सर बोले दूसरा आदमी को भी इसको दूसरा जगह लेके जाया जाएगा। तो वहां पर लेके गया फिर हमको, तो फिर वहां पर एक जज सर के जहाँ पे जज सर खड़े होके कोर्ट पे ये करते हैं, पर वहां पे जज सर नहीं थे, कोई दूसरा आदमी था जी। जज सर अपना ऑफिस में बैठे हुए थे जी। तो वहां वो आदमी मेरे से सवाल किया कि तुम अपना दुपट्टा खोलो, तो हम अपना फेस खोल दिए। उसके बाद वो आदमी बोलने लगा मेरे से कि तुमको तो हम देखे हैं, तुम्हारा नाम क्या? तो हम बोले नाम है। हाँ, तुमको हम देखे हैं साइकिल से आते जाते रास्ता में कई बार देखे हैं, तो तुमको टोकने का कोशिश किए हम, पर नहीं टोके, क्योंकि अगर तुमको लगता कि अगर हम इस तरह तुमको टोकते तो तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम कुछ बोल देती उल्टा सीधा, इसीलिए हम तुमको नहीं टोके, पर हम तुमको देखते हैं जाते आते बराबर साइकिल से। उसके बाद फिर वहां पर भी कुछ देर तक खड़ा रहना पड़ा,
फिर जसर उसको फिर किसी को भेजा हमको लाने के लिए वहां से। फिर हम जसर के ऑफिस में गए, फिर जसर ने हमसे नाम पूछा, फिर हम अपना नाम बताया, मम्मी का नाम बताया, पापा का नाम बताया। फिर क्या हुआ, गुस्से क्यों हो गए, आपसे नाराज क्यों हो गए? फिर 164 का बयान जब हुआ मेरा, तो हम अच्छे अच्छे से अपना बयान दिए सर को, बोले। फिर जस सर हमको पढ़ के सुनाए, फिर हमको बहुत कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जस सर का मुंह ढका हुआ था रुमाल से, नहीं आया जो जस सर क्या जी क्या बोल रहे थे, क्या स्टेटमेंट आपको दे रहे थे। जी जी, तो जस सर बोले, तो जस अपन के पढ़ के हमको फिर सुनाए, फिर हम बोले कि जस सर हमको समझ में नहीं आया ये, फिर आप हमको पढ़ के सुना दीजिए एक बार। तो जस सर बोले कि तुम जो बोली हो वही तो हम लिखे हैं ना। हम बोले सर हाँ वही लिखे हैं आप, पर हमको समझ में नहीं, बहुत कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है। जी जी, तो हम जस सर को बोले कि हमारी एक कल्याणी दीदी है, तो आप थोड़ा सा के लिए आप उसको अंदर भेज दीजिए। हाँ, उसको थोड़ा सा, थोड़ा देर के लिए अंदर भेज दीजिए ना आप मेरे पास, जो वो अगर हमको अगर पढ़ के सुना देगी तो हम इस पे साइन कर देंगे, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना उसका मुंह ढका हुआ था, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो कल्याणी दीदी को हम इसलिए बुलाने का कोशिश की है कि अगर कल्याणी दीदी अंदर आती तो वो पढ़ के सुना देती तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता, तो फिर हम साइन उस पे कर देते जी, तो हम कुछ तो गलत नहीं बोले हैं। तो जस सर बोले हैं तुम जो बोली हम वही लिखे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया, तो बोले साइन करो तुम इस पे। तो हम बोले सर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तो जस सर बोले क्या, फिर क्या हुआ खुशी? फिर जस सर बोले कि इस पे तुम साइन करो। तो हम बोले हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम साइन नहीं करेंगे सर। फिर तो गुस्से हो गए आपसे? हाँ सर, गुस्से हो गए हमसे जी। और बोलने लगा कि तुमको कोई तमीज नहीं सिखाया है क्या, इसको कोई तमीज नहीं सिखाया। जस सर इसी तरह सवाल कर रहे थे हम, तो हमको ये भी सुन के काफी दुख हुआ कि हम जो बोलना चाह रहे वो तो जस सर समझ नहीं पा रहे हैं। अब फिर कितने दिन आप अंदर रही, कितना दिन अंदर रही? तो मुझे मालूम है आप बेल पे हैं अभी बाहर। मुझे कमायनी से ये सवाल पूछने दीजिए। 9-10 दिन रहे हैं जी, जी। और उस समय आपके मन में क्या था, क्योंकि एक तरफ आप बलात्कार के खिलाफ, गैंगरेप के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है, थी और है, वो भी एक लड़ाई, भारी लड़ाई है एक औरत के लिए हमारे समाज में, और ऊपर से ये हुआ जब कोर्ट में, कचहरी में, तो क्या हुआ, गुस्सा आया, डर लगा, दुख हुआ, तीनों चीजें हुई खुशी, क्या आप अपनी भावना कैसे बताएंगी हमारे दर्शक को? हम ये सब जब 164 का बयान दिए तो हम काफी मतलब घबराए हुए थे, काफी टेंशन में थे जी। तो अभी आगे लड़ाई लड़नी है कि ये सब होने के बाद लगता है कि नहीं लड़ पाएंगे? बहुत सी औरतें हैं वो कोर्ट नहीं जाती ऐसी कारणों के वजह से। आपने तय कर लिया है कि लड़ेंगे इंसाफ के लिए? लड़ेंगे इंसाफ के लिए लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए, और हम लोग जो देश के समझने वाले लोग हैं हमें आपको
खुल के आके साथ देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। कमाईनी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, और अगर आप अपना माइक थोड़ा अनम्यूट कर लें, हम मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या हुआ कि दो एक्टिविस्ट, इन्होंने समझाया कि ये खुद कैसे, इनको जज नाराज हो गए क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं साइन करी थी, उन्होंने बार बार कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही, तो वो गुस्से हो गए। इसके बाद जो दो एक्टिविस्ट, जो सपोर्ट ग्रुप था, जो इनकी मदद कर रहा था, उनको कैसे लॉकअप किया, और अभी उनका वो कहाँ है, क्या उनको भी बेल मिली है कि अभी तक नहीं मिली? तो वो दो लोग जो हैं, कल्याणी और तन्मय, जो इनके सपोर्ट पर्सन की तरह उस दिन वहां थे, और 6 तारीख की रात की घटना है, तब से लगातार उनके साथ। हमारा शहर छोटा है, वैसे भी कोई खास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो हमारे शहर में ना तो साइकोलॉजिस्ट है, ना काउंसलर है, ना ही ऐसी कोई सुविधा प्रोवाइड की गई। तो हम ही लोग और ज्यादा करके कल्याणी तन्मय ये भूमिका निभा रहे थे खुशी के साथ। तो ये था। और नहीं, न कल्याणी और न तन्मय दोनों को बेल रिजेक्ट कर दिया गया, वही जो 17 तारीख को लोअर कोर्ट में एक स्पेशल हियरिंग की गई थी और उसमें बेल रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी तक जेल में ही हैं, और वो जिस जेल में है वो दलसिंह सराय है, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है हमारे शहर अररिया से। उस दिन क्या हुआ, जो हमने पीस टुगेदर किया है बाद में सुनकर समझकर अलग अलग लोगों से, कल्याणी से, तन्मय से, अब तो पीड़िता खुद बाहर हैं तो उनसे भी, वो हुआ ये कि शायद एक तो खुशी की, जैसे वो कह रही है हर प्ली फॉर हेल्प, यानी वो एक मदद मांग रही है, मगर जज साहब समझे नहीं वो कह रही है जी। तो हमको लगता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट महोदय उसकी वो प्ली नहीं समझ पाए, तो ये नहीं समझ पाए कि उसका जो भी आवाज ऊंची होना या ये कहना कि मुझे किसी को बुला दीजिए, मेरी दीदी को बुला दीजिए, वो कोई, इट वाज नॉट मेंट टू बी एन अफ्रंट ऑन द कोर्ट, नाइदर ऑन हिज ऑन द मैजिस्ट्रेट, बट इट वाज मोर ऑफ एन अनस्टेबल माइंड वेयर शी कुडंट अंडरस्टैंड। एंड इट जरूरी नहीं है कि कुडंट अंडरस्टैंड का मतलब ये जरूरी नहीं है कि couldn't understand, as in जो सुन रही थी वो सुनाई नहीं दे रहा था, पर समझ पाना मुश्किल है क्योंकि आप इतने एंजाइटी में है। उसी कह रही थी कि हम बहुत घबराए हुए थे उस दिन गए तो। उसके बाद शायद मजिस्ट्रेट महोदय को इस बात से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला खुशी से बातचीत करके, तो उन्होंने बाहर से कल्याणी को बुलवाया और खुशी उनके संग वापस कमरे में लौट आई। जब वो दोनों आए तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि क्यों आपको क्यों बुलाएगी, हम पर विश्वास नहीं है, आप पर विश्वास क्यों, आप कौन हैं? तो जितना मैंने कल्याणी से सुना उसका कहना था कि तन्मय और मैं दोनों यही कह रहे थे कि हम लोग मदद करने के लिए हैं उसकी, और अगर उसे बयान नहीं समझ आ रहा है तो हमें उसे बयान सुनकर पढ़कर सुनाना चाहिए। पर उनको, इनफैक्ट कल्याणी और तन्मय को ये बताया गया उस समय कि बयान सील हो चुका है, उन्हें एक सील लिफाफा भी दिखाया गया, तो बयान साइन हो चुका था, सील हो चुका था, मगर इन लोगों ने ये शायद फिर भी कहा कि अगर नहीं समझ आया है और साइन कर दिया है तो भी पढ़ के सुनाया जाए। बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द रिस्पेक्टेबल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड या एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टिल इन प्रिजन। And can I understand from you what has actually happened to the men who are accused of gang rape? What has happened to the man who, on the pretext of teaching Khushi how to ride a motorcycle, jis aadmi ne bahana bana ke ye kaha ki main aapko sikhata hu ye motorcycle kaise chalate hain, wo accomplice ban gaya aur wo chhod aaya unko alleged gang rapist ke paas, unka kya hua hai, wo kahan hai, kya wo jail mein hai ki nahi hai? To ye jo ladka hai jo motorcycle sikha raha tha, वो तो पकड़ा गया, उसका घर भी जानते थे और उसको पकड़ा गया, उसको एक रात पुलिस कस्टडी में लिया गया और फिर अगले दिन जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया था। और इनफैक्ट 10 तारीख को, क्योंकि हम लोग सब कंपनी कर रहे थे खुशी को, तो 10 तारीख को जब खुशी कॉरिडोर में वेट कर रही थी, उसी कॉरिडोर में अक्यूज्ड ये जो पकड़ाया था वो भी उसी कॉरिडोर में था। जी जी, उसके भी पुलिस वाले उसके भी साथ थे और पुलिस वाले इनके भी साथ थे। ये खुला, इनको बांधा वाना नहीं गया था, उसका हाथ हैंडकफ में था शायद और रस्सी से बांधा हुआ था, मगर वो वहीं था, उसके फैमिली मेंबर्स भी वहीं थे। तो एक तो ये कि हाँ वो तो पकड़ा, उसको पकड़ा, उससे शायद पूछताछ भी की गई, पर दिक्कत यह है कि अभी भी शायद पुलिस के स्टाइल्स थोड़े प्रिमिटिव हैं, तो वो था कि मतलब पूछताछ से निकल आएगा, और उस पे बहुत ज्यादा ध्यान रहा। वो अकम्प्लिस है नहीं है, वो वहां डर के भाग गया, ये सब हमारे लिए कहना मुश्किल है, तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। पर बाकी 4 लोग जो हैं वो नोन नहीं है, मतलब पीड़िता उन्हें जानती नहीं है, उन्हें नामित नहीं कर पा रही है, पर वो कहती है कि वो 2 लोगों को पहचानेगी अगर वो सामने आएंगे, कोशिश करेगी पहचानने की।
मुझे लगता है कि दिक्कत ये हुई कि 6 तारीख की रात की घटना और अभी 10 तारीख की गिरफ्तारी हो गई, 10 तारीख को गिरफ्तारी हो गई, 18 तारीख को खुशी बाहर आई है और सारा एफर्ट तो इस नए केस पे चला गया। ये जो लोग एक्चुअली विक्टिम्स थे वो हैव बिकम द अक्यूज्ड, तो बाकी 4 लोगों को खोजने का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ मैं खुशी से 2 मिनट में एक डायरेक्टली आई थिंक उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने शब्दों में अपनी कहानी खुद बताएं, लेकिन आपसे मैं बात समझना चाहती हूँ कि कल्याणी और तन्मय जो एक्टिविस्ट जो उनके साथ गए थे, जो अभी भी लॉकअप में है और 250 किलोमीटर दूर लॉकअप में है, क्या कोर्ट ने क्या रीजन दिया कि खुशी को बेल दे दी लेकिन जो उनको मदद करने गए थे उनको बेल नहीं दी? देखिए ईमानदारी से मुझे तो जब पहली बार स्पेशल हियरिंग की, देखिए कोरोना की वजह से एक एक्सटर्नल फैक्टर तो आ गया इन पूरी प्रोसीडिंग्स में कि सुनवाई ही नहीं हो पाई, तो जब पहली बार सुनवाई हुई तो वो भी स्पेशल हियरिंग में हुई, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंद था उस समय, जी वर्चुअल कोर्ट भी बंद थे और अभी भी बिहार में वर्चुअल कोर्ट बंद है सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हियरिंग नहीं मिल रही है और उस स्पेशल हियरिंग में मुझे पहले लगा कि वो अच्छा रियलाइज हुआ होगा कि ये क्या हो गया, आपने एक सर्वाइवर, और अमूमन जैसा कि स्टैटिस्टिक्स भी बताती है, आपने भी शो में शुरू में कहा कि औरतें जाती नहीं है ऐसी बातें बोलने के लिए, बदनामी और शर्म का इतना डर होता है, तो जो लड़की सामने आई है और उसके साथ अनजान लोग जो उसकी मदद करना चाहते हैं वो सामने खड़े हुए हैं, तो वन वुड एक्सपेक्ट कि उनको उनको तो और प्रोटेक्शन और समर्थन मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट्स में जो कारण दिया है वो तो मैं ऑर्डर शेयर कर सकती हूँ, बट मुझे तो यही समझ आया कि एक तरह का ये हो गया कि इतना प्रेशर है, गैंगरेप सर्वाइवर को ही भेज दिया गया जेल, तो उनको शायद इसलिए लगा होगा कि इन्हें बाहर भेज देना चाहिए और ये मनस्थिति भूल गए कि जिस जिसकी वो मदद करना चाह रहे हैं उसको किस ग्लानी बोध के संग छोड़ दिया कि दो लोग मेरी वजह से अंदर बैठे, कल्याणी दीदी तन्मय भैया मेरी वजह से अंदर बैठे, ये कैसा भावना। जी खुशी इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी? और जब आप लॉकअप के अंदर थी तो जैसे हम लोग कमायनी और मैं बात कर रहे थे कि औरतें हिचकिचाती हैं आगे आने से, रेप्स बहुत होते हैं इस देश में, हर 20 मिनट एक औरत का बलात्कार होता है, और निर्भया के केस के बाद कानून भी बदले, लेकिन अब आपके साथ जो हो रहा है लगता है कि कानून बदले लेकिन समाज नहीं बदला, हमारा जो एक सिस्टमिक रिस्पॉन्स है वो नहीं बदला, आपके मन में आज क्या है जो आप सबको बोलना चाहेंगे, एक तो कल्याणी और तन्मय के लिए जिन्होंने आपकी मदद की, और दूसरा जो आपका अपना मुद्दा है, आपके साथ कौन खड़ा है, आपके परिवार वाले क्या आपके साथ खड़े हैं, कौन खड़ा है आपके साथ कि आप एक तरह से अपने आप को अकेली पाती है? खुशी हमारे दीदी लोग मेरे साथ है और कोई नहीं है साथ, क्योंकि ये सब सवाल मम्मी पापा को भी ठीक नहीं लगता है और ये सब कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा ये सब सुन करके कि सपोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा, फिर भी ये सब सुनने के बाद मेरे पापा थाना पे आए तो मेरे पापा को जानकारी है। दीदी लोग बहुत हमारी तन्मय भैया और कल्याणी दीदी बहुत मदद की हमारी हमारा जी, और वो लोग जेल में बैठे हुए हैं जी। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा खुशी कि पता नहीं सही है या नहीं, क्योंकि मीडिया में बहुत रुक रुक के खबर आ रही है, मैंने ये पढ़ा कि आपके ऊपर ये भी दबाव था कि जो आदमी आपको मोटरसाइकिल के बहाने से ले गया था, किसी ने ये भी कहा आप उससे शादी कर लो, जैसे होता है हमारे देश में कि किसी का रेप होता है तो कहते हैं भाई रेपिस्ट उससे शादी कर ले, इस तरह की बेवकूफ और इनसेंसिटिव चीजें भी होती हैं, तो क्या इस तरह के भी दबाव आए आपके ऊपर अररिया के लोगों से या उस आदमी के परिवार की तरफ से या किसी और की तरफ से? उसके परिवार के तरफ से आया था शादी करने का बात, शादी करवा देते हैं तो हम बोले नहीं हम उससे शादी नहीं करेंगे, जो इंसान 3 लड़का के बीच में छोड़ के भाग सकता है तो उसपे क्या भरोसा। सही बोले आप। और आप क्या काम करती हैं, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ, आप क्या काम करती हैं, क्या सपना अपने लिए देखा और जिंदगी अभी कैसी है अररिया में, अपने बारे में कुछ बताइए, नाम मत बताइए लेकिन वैसे कुछ बताइए अपने बारे में।
हम घर सब में खाना भी बनाते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा भी करते हैं, ये सब भी काम करते हैं जी। यही सब मेरा काम है। और मोटरसाइकिल चलाने का एक सपना, एक शौक था? एक शौक था, एक सपना था, और कुछ नहीं। सपना नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो सपना कोई ना कोई पूरा करेगा, आप खुद ही पूरा करेंगी। अभी कितना विश्वास है आपको कि जिन आदमियों ने आपके साथ ये किया उनको वो पकड़े जाएंगे? आपको विश्वास है कि आपके साथ जो हुआ उसके बाद आपका एक तरह से विश्वास उड़ चुका है? हाँ, फोन रिकॉर्ड से पता चल ही जाएगा कौन आदमी है। पर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप कोर्ट में अपना केस जारी रखेंगी कि आपको जिस तरह बंद किया गया और कल्याणी और तन्मय को जिस तरह से बंद किया गया है? कई बार होता है ना, लगता है यार मैं कहाँ फंस गई, मैं चुपचाप, जैसे औरतें घबरा जाती हैं, आदमी भी घबरा जाते हैं, कभी सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना हॉस्टाइल होता है, इतना अनफ्रेंडली होता है। तो जब जज साहब ने आपको डांट लगा के लॉकअप में भेज दिया, आपको बंद कर दिया, उसके बाद आपने कभी सोचा कि ये मैं केस छोड़ देती हूँ, कि केस ये आपने लड़ने का तय कर लिया है? हाँ, केस लड़ने का तय किए हैं, केस लड़ेंगे। आप जो बाकी औरतें हैं जो आपको सुन रही हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? मजबूत बनाना चाहते हैं। आप बहुत मजबूत हैं, इतना कुछ हो गया फिर भी डट के खड़ी हैं। कहां से हिम्मत आती है खुशी? सच्चाई के लिए, क्योंकि ये लोग को एक बार छोड़ दिया जाएगा तो ये लोग का और भी हौसला जिगरा बढ़ जाएगा जी। बहुत बहुत अच्छा बोली, सैल्यूट आपको देती हूँ मैं। कमाई नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एंड में, व्हाट इज द मैसेज वी आर सेंडिंग अदर वुमेन? बिकॉज बहुत कम औरतें आगे आती हैं और वो ऐसा सुनेंगी अकाउंट तो लगेगा कि भाई छोड़ ही दो, इट प्रिवेंट्स अदर वुमेन फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड। और उल्टी तरफ एक्टिविस्ट को भी लगेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, जज नाराज हो जाएंगे। सो व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग समझ पाए? लगता है कि क्रिटिकल है, दो चीज क्रिटिकल है इसमें। मिस्टेक्स कैन हैपन एंड दिस वाज एन एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल मिस्टेक कि आपने सर्वाइवर और उसके हेल्पर्स को भेज दिया जेल, बट मिस्टेक्स कैन हैपन। व्हाट इमीडिएटली नीड्स टू बी डन इज कि इन लोगों को रिलीज किया जाए कोई तरह चाहते। इसलिए तो हम यहाँ, इसीलिए 164 के बयान के दिन हम थे वहां और 6 तारीख से लगातार लगे हुए थे। हमको लैप्सेस दिखते हैं इन्वेस्टिगेशन में, हमको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये बेहतर किया जा सकता है। एक छोटा सा वेटिंग रूम हो सकता था उस दिन खुशी जैसे लोगों के लिए जो बयान देने के लिए आए थे, मगर ये सब नहीं है। मुझे लगता है कि फंडामेंटली दो चीजें, एक सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर के प्रति सेंसिटिविटी, और वर्मा कमिटी के रिकमेंडेशंस को देखिए, बिल्कुल वही बातें कह रहे हैं। ही वाज प्रेडिक्टिंग इट, द कमिटी सेड इट, और हमने किया नहीं कि उस व्यक्ति की मनस्थिति देखिए, उसके सपोर्ट वर्कर्स को आने दीजिए, एक रिकमेंडेशन। दूसरा कि अगर वो नहीं समझती है तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति की मदद दी जाए। और वर्मा कमिटी शायद ये भी कहती है कि जज जो हैं, जस्ट बिकॉज वो जज बन गए उनको ये नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसे सेंसिटिव मामले देखिए, और हमें उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। दूसरा कि हम सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर तो नहीं ही बोलते हैं, पर अगर वो बोल भी देते हैं जैसे खुशी बोल रही है, तो कई बार एक अच्छी फैमिली भी साथ खड़ी नहीं हो पाती है। वो कह रही है मेरे फादर आए था ना, मगर पूरी फैमिली साथ खड़ी नहीं है क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और वो जिम्मेदारी उसी पीड़िता में खोजी जाती है। तो क्या ये नहीं किया जा सकता कि जो लोग सामने आ रहे हैं, जैसे इस केस में कल्याणी और तन्मय सामने आए और उन्होंने वो बहादुरी दिखाई, तो ये मैसेज तो नहीं दे सिस्टम कि नहीं जरूरत है, मत बोलो, वो चुप है, तुम भी साथ में चुप हो जाओ। तो हमें लगता है कि ये दोनों मैसेजेस बिल्कुल गलत चली गई है। बट अब रेमेडी कर दें, हियरिंग कर ले, हम समझ रहे हैं कि कोरोना एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो प्लीज हमारी हियरिंग की जाए। अभी लोअर कोर्ट्स, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट भी छुट्टी पर है, बट वी वांट अ हियरिंग, वी सेइंग डू स्पेशल हियरिंग, हियर अस थ्रू, लीव देम, दे आर ससेप्टिबल। वो दोनों साथी जो है वो जेल, हाउ ओल्ड आर दे? कल्याणी 28 एंड तन्मय, कल्याणी 28 एंड तन्मय 30, सो दे आर यंग पीपल. And it's not fair to them, it's not fair to all of us. What sort of a message are we being given? We don't want to hear this message. Blank out kar dena chahte hain. Aur aapne ek
एक कहा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पीपल कैन लूज देयर टेम्पर्स, पीपल कैन गेट एजिटेटेड इन कोर्ट, इट इज नॉट टू लेट फॉर द जज, जस्ट लाइक ही डिड रिलीज खुशी. And I think that she shouldn't just be released on bail. That charge should be dropped against her. She shouldn't be out on bail. That's very important. कि एक miscommunication हो गई. Let's not attribute intent to anybody. लेकिन जो साथ में उनके साथी थे तन्मय और कल्याणी, उनको भी छोड़ना चाहिए और foreign छोड़ना चाहिए. We should focus on the main case, which is the gang rape of a 22-year-old woman. If we want women to come forward, बहुत बहुत धन्यवाद कवायनी. आप एक on ground लड़ाई लड़ रही हैं. हम आपको विशेष देते हैं कि आपकी ताकत बनी रहे. और सबसे ज्यादा जैसे खुशी ने कहा, औरतों को मजबूत रहना होगा. लेकिन इसमें ट्रेजिडी ये है कि जब औरत मजबूत भी होती है तो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं. सो वी रिक्वेस्ट द जज, if please reconsider your decision, drop the charges against the complainants, do not treat the complainants as the accused, and thank you so much both of you. Bahut bahut dhanyawad.